हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और एक खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत सुंदर लगता है ये। जेंट्स लेडीज़ बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा 7 फंदों की मल्टीपल में बनेगा। बीच में ये 3 फंदा हमने स्पेस दिया है, फिर 7 फंदे में डिजाइन, फिर 3 फंदा स्पेस दिया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पहला 2 फंदा हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये जो 7 फंदों का डिजाइन है, इसे देखिए, पहला 2 फंदा सीधा, फिर ये जो 3रा फंदा है, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, धागा लपेट के ऊपर से एक बार बुनेंगे और फिर नीचे से एक बार और धागा 2 बार घुमाएंगे और 1 फंदा में इस तरह से 2 बार बुनेंगे। और अभी बीच में जो ये वाला फंदा, इसे हमें स्लिप करना है, बिना बुने ही इससे उतार लेंगे। देखिए ये डिज़ाइन में हमारा ये जो लाइन है बीच का, इसे फ्रंट साइड में हमें बिना बुने ही उतारना है। तभी फिर से क्या करना है, नेक्स्ट फंदा जो है इसे इस तरह से 2 बार बुनेंगे, ऊपर से 1 बार और नीचे से 1 बार, वो भी धागा को इस तरह 2 बार लपेट के। ओके, फिर 2 फंदा सीधा। अभी जो बीच में स्पेस है, आप यहाँ किसी भी तरह का बुनाई कर सकते हैं, दोनों तरफ से सीधा या फिर फ्रंट पे सीधा, बैक साइड पे उल्टा। मैं यहाँ 3 फंदा सीधा बुन रही हूँ। देखिए बीच में मैंने यहाँ इस तरह का भी डाला है। तो यहाँ दोनों ओर से मैंने उल्टा बुना था और यहाँ फ्रंट साइड में, राइट साइड में सीधा बुन रही हूँ और पीछे से उल्टा बुन रही हूँ। तो ये 3 फंदा हमने बना लिया। अभी फिर से 7 फंदों में हमारा डिजाइन आएगा। तो पहला 2 फंदा सीधा, फिर ये फंदा इस तरह से 2 बार धागा घुमा के बुनेंगे, 2 बार बुनेंगे, ऊपर से 1 बार और नीचे से 1 बार। फिर बीच वाला ये जो फंदा है, इसे बिना बुने उतारना है। नेक्स्ट फंदा फिर से इस तरह 2 बार धागा घुमा के बनाएंगे, फिर 2 फंदा सीधा। अब बीच में जो 3 फंदा है, उसे भी सीधा बुनेंगे। अभी फिर नेक्स्ट 7 फंदा में हमारा डिजाइन। तो 2 फंदा, पहला 2 फंदा जो सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा धागा इस तरह घुमाएंगे और ये जो फंदा है, इसे ऊपर से 1 बार और नीचे से 1 बार बुनेंगे, वो भी 2 बार धागा लपेट के। फिर ये बीच वाला ये फंदा, इसे बिना बुने उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा, इस पर 2 बार इसे धागा घुमाएंगे और बुनेंगे। नेक्स्ट 2 फंदा सीधा और लास्ट 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस जो लिए हमें, हमने उसे भी सीधा बुनेंगे। ये था हमारा row 1, वो भी राइट साइड में। अभी हम बुनेंगे रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमें ये हमारा row 2
पहला फंदा होगा जिसे हम स्लिप करके उतरेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, ये उल्टा बुन लिया। और ये देखिए, ये जो हमने धागा घुमा के बुने थे, इसे इस तरह खोल लेंगे और बिना बुने से उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। और ये जो बीच में हम बिना बुने उतारे थे, ये सीधा फंदा, यहाँ हमें इसे उल्टा बुनना है। इसे फिर खोलेंगे और स्लिप करके उतार लेंगे इस तरह। मतलब पूरा रो उल्टा बुनना है, सिर्फ उन फंदों को छोड़ के जिसे हम दो बार धागा लपेट के बनाया था, बाकी सारे फंदे उल्टा बुनेंगे। बहुत आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसे उतार लिया बिना बुने, फिर उल्टा एक फंदा, फिर इसे बिना बुने उतार लेंगे इस तरह, फिर उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। तो रो टू हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखिए, रो थ्री में हमारा ये डिजाइन बनेगा। पहला दो फंदा एक्स्ट्रा स्टिचेस है, उसे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, ये जब जो दो फंदा हमने इस तरह से बनाया था, इसको ये आएगा यहाँ पे और ये दो फंदा जाएगा पीछे। तो इसे क्या करना, इस तरह से खोलेंगे, पहले बाहर निकाला इसे, फिर ये दो फंदा जाएगा पीछे और ये आएगा आगे। इसे सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट दो फंदा जो है वो भी सीधा बुनेंगे, और बीच वाला ये वाला फंदा इसे बिना बुने उतार लेंगे। राइट साइड में हमेशा ये फंदा हमें बिना बुने उतारना है। अब ये फंदा जाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से ये फंदा खोलेंगे, इसे आगे आएगा और ये जाएगा पीछे। ऐसे फिर इस सिलाई में लेकर हमें क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे। सीधा बुन लिया, देखिए डिजाइन इस तरह से आएगा। और नेक्स्ट जो तीन फंदा, इसे भी हम सीधा बुनेंगे, फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो दो फंदा, ये जाएगा पीछे और ये फंदा आएगा यहाँ पे। तो इसे खोलेंगे इस तरह, ये फंदा आएगा आगे आएगा, इसे फिर हम सीधा बुनेंगे। बीज वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब ये जो है, ये जाएगा पीछे, यहाँ पे आएगा और ये दो फंदा आएगा यहाँ पे। इसे फिर हम सीधा बुनेंगे। इसे भी सीधा बुनेंगे। ये है हमारा रो थ्री राइट साइड में। बाकी तीन फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर यहाँ हमें हमारा डिजाइन रिपीट करना है, पहले जैसे बनाए थे। ये आएगा यहाँ पे आगे, इसे बुन लिया, फिर सीधा बुनेंगे इसे। ये वाला जो बीच में फंदा है, इसे हम बिना बुने उतारेंगे।
ये दोनों आएंगे आगे और ये वाला जाएगा पीछे, फिर सीधा बुनेंगे। और हमारा जो एक्स्ट्रा स्टिचेस है उसे भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए 3 लाइन में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अभी 4th लाइन जो है रॉन्ग साइड पे, हमें इसे पूरा उल्टा बुनना है। ये 4th लाइन हमने रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बुन लिया। देखिए 4th लाइन हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। ये 4 लाइन को हमें रिपीट करना है। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन के तैयार है। अभी हम जब नेक्स्ट बुनेंगे तो बीच में इस तरह का ये गाटर स्टिच डालेंगे, तभी इस तरह से हमारा डिजाइन बन के तैयार आ जाएगा। आप जरूर इसे बनाइए, बहुत सुंदर डिजाइन है। थैंक यू।